मान साहब के मंजर दे मथे दे उत्ते है तख्ती लगती उन्हां दी मंजर दे मथे दे उत्ते है तख्ती लगती उन्हां दी घरों बना के तुरते जेड़े नक्शा अपने सफरां दा मेरे बहुत ही सत्कारयोग साढ़े सारयां दे भाजी देवगढ़ साहब के हथी लाई इस बूटे के इस वेले ताकन पब्लिक स्कूल च स्कूल के डायरेक्टर प्रतीक साहब मोहित साहब सत्कारयोग साडे भैन जी स्कूल के प्रिंसीपल मैम अंकिता साहदेव कोमल साहदेव मेरे बहुत सत्कारयोग स्कूल के अध्यापक साहबान जिन्हें भी अज साडे बच्चे इत्थे बैठे ने ते उन्हां दे मापे इत्थे बैठे ने मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलो मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम टेंशन में क्यों है एग्जाम्स आ रहे हैं यार हाँ तो इस बार भी टॉप करना है 98% तो लाने ही है फिर ये शहर के टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है अरे डोंट वरी एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे थोड़ा रिलैक्स हो जाओ एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या मेहनत दिल लगा के की है ना तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल Out of control, out out go karke goal, out out go karke goal, seat eight pe jaake bol. पंजाबने शकीन पुड़िए हो पंजाबने शकीन पुड़िए पंजाबने शकीन
पिछड़े देवे वाह अल्लाह सबनू देवे वाह कल सो चलिया आने वाले बच्चे आतम पब्लिक स्कूल के थे तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग
सो ब्यूटीफुल पाथ तरक्षण सोसाइटी जो है वो बेसिकली वर्क करता है वैमा परमाणु पीछे छटा ले मतलब आज की जनरेशन बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं कि सैनिकों की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हमारे बेस्ट कमांडर सुमन मैम के लिए जो कि विंग इंचार्ज है 7th क्लास के भी, तो उनके लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग और कॉन्ग्रेचुलेशन मैम एंड योर गाइडलाइंस। थैंक यू सो मच।